10,000 के आसपास इतने सारे फोन आ चुके हैं तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा फोन लिया जाए। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा कैटेगरी कर दिया है, मतलब किसी को अगर कैमरा अच्छा लगता हो, किसी को अच्छा परफॉर्मेंस या गेम खेलना है, तो उस हिसाब से मैंने आज के इस वीडियो को कैटेगराइज किया है और आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा फोन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा 10,000 के अंदर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर टॉप 5 लिस्ट बनाया है। तो अगर आपको एक अच्छा ब्रांड का फोन चाहिए वो भी 10,000 के नीचे, तो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M30 आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इन पांचों फोन्स में से सबसे बढ़िया डिस्प्ले आपको इस फोन में मिलेगा। और इसके रैम और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 3GB की रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज, और इसमें आपको एक्सिनोस 7904 का प्रोसेसर भी मिल जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा ज्यादा गेम खेलते हैं, मतलब आप गेमर है, तो उसके लिए ये फोन मुझे लगता है कि उतना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूजर है और आपको सिर्फ थोड़ा मोड़ा गेम चाहिए, थोड़ा मूवीज वगैरह अगर देखते हैं, तो आपके लिए ये फोन डेफिनेटली बेटर रहेगा। और इसके कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी सेंसर आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का, और जो सेकंड कैमरा ये आता है 5 मेगापिक्सल, और जो लास्ट कैमरा ये भी आपको 5 मेगापिक्सल का मिलता है। और इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। और आखिर में इसका अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 5000mAh का बैटरी मिलता है, और साथ में 15W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। और साथ में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको USB Type-C पोर्ट भी मिलता है। और इसका प्राइस की बात करें तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपको 10,000 rupees में मिल जाता है। और हमारे लिस्ट में नंबर 4 में आता है Realme 3 Pro। तो इसमें आपको 6.3 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, और इसका रैम और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है, और इसमें आपको स्नैपड्रैगन 710 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है। जी हाँ, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है। और इसका कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको पीछे डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी सेंसर दिया गया है 16 मेगापिक्सल का, और सेकंड कैमरा दिया गया है 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस। और इसका फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट में मिलता है 25 मेगापिक्सल का कैमरा। तो अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा सेल्फी सेंट्रिक फोन है, मतलब अगर आप सेल्फी के लिए कुछ अच्छा फोन लेना चाहते हैं तो ये फोन आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। और इसका बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 4045mAh का बैटरी, साथ में VOOC 3.0 फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। तो देखिए, ओवरऑल ये फोन उन लोगों के लिए है जो लोग मीडियोकर यूज करते हैं, मतलब थोड़ा मोड़ा गेम, थोड़ा कैमरा या फिर थोड़ा अच्छा मूवीज देखते हैं, तो उन लोगों के लिए ये फोन बहुत ही अच्छा होगा रियलमी की तरफ से। और इस फोन के प्राइसिंग की बात करें तो ये फोन आपको मिलता है 10,000 rupees में। और हमारे लिस्ट में अगले नंबर पे है Realme 5S। जी हाँ, रियलमी की तरफ से और एक फोन यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो ये फोन उन लोगों के लिए है जो अच्छा कैमरा चाहता है, और इसमें आपको 6.5 इंच का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, और साथ में 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज। और यहाँ प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 665 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है। और इसके कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको पीछे मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप। जी हाँ, यहाँ पर आपको 4 कैमरा देखने को मिल जाएगा, साथ में यहाँ प्राइमरी सेंसर दिया गया है 48 मेगापिक्सल का, और सेकंड कैमरा यहाँ मिलता है 8 मेगापिक्सल का, थर्ड कैमरा मिलता है 2 मेगापिक्सल का, और फोर्थ कैमरा भी आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का। और यहाँ फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ फ्रंट में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा। तो देखिए, इसीलिए मैंने इस फोन को आपको बताया कि ये कैमरे वालों के लिए है, क्योंकि यहाँ जो प्राइमरी सेंसर मिलता है बहुत ही अच्छा मिलता है, 48 मेगापिक्सल का सेंसर आपको इस फोन में मिल जाएगा। और साथ में इसके बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको एकदम पावर पैक बैटरी मिलेगा, क्योंकि यहाँ 5000mAh का बैटरी मिल जाता है। लेकिन एक डाउनसाइड यह है कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको दिया गया है 10W का चार्जर। तो देखिए, यहाँ ओवरऑल अगर हम इस फोन की बात करें तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है, बैटरी भी बहुत ही अच्छा मिलता है, और साथ में कैमरा की क्या बात करें, क्योंकि कैमरे के लिए ये फोन होने वाला है। तो इस फोन का प्राइस है 10,000 rupees। और यहाँ पर हमारे लिस्ट में नंबर 2 में है Redmi Note 8। जी हाँ, शायद आपको पता चल चुका होगा कि मैंने इसको नंबर 2 में क्यों रखा है, आगे चल के आपको जरूर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलता है 6.3 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, और साथ में यहाँ पर आपको मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन फ्रंट और बैक में। और यहाँ इसका रैम और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज। और प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 665 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, और जो मेन चीज है वो है कैमरा, जिसमें प्राइमरी सेंसर दिया गया है 48
8 मेगापिक्सल का सेकंड कैमरा दिया गया है 8 मेगापिक्सल का, थर्ड कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का मिलता है और फोर्थ कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का मिलता है। और इसका फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट में मिलता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा। तो इसका बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 4000 mAh का बैटरी, लेकिन यहाँ पर आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। जी हाँ, यहाँ पर आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर भी मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। तो आप सर सोचेंगे कि मैंने Realme 5S को सेकंड में क्यों नहीं रखा, इसका एक ही रीजन है, सॉरी यहाँ पर एक नहीं दो रीजन है, क्योंकि यहाँ पर आपको Realme 5S में HD+ डिस्प्ले मिलता है। जी हाँ, और यहाँ Redmi Note 8 में आपको मिलता है फुल HD डिस्प्ले। तो यहाँ पर डिस्प्ले में थोड़ा सा शार्प इमेज आपको Redmi Note 8 में मिल जाएगा, और साथ में यहाँ पर Redmi Note 8 में आपको मिलता है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, और वो भी 18 वाट का, और यहाँ Realme 5S में आपको कोई भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो देखिए, बैटरी तो आपको Realme 5S में ज्यादा मिलता है, लेकिन जो चार्जिंग स्पीड है ये आपको Redmi Note 8 में मिल जाएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से Redmi Note 8 आपको सेकंड में देखने को मिल रहा है। तो ये फोन उन लोगों के लिए जो ज्यादा अच्छा कैमरा चाहते हैं, बैटरी चाहते हैं, परफॉर्मेंस चाहते हैं, मतलब ये हर एक चीज अगर थोड़ा थोड़ा आप अगर चाहते हैं तो आपके लिए Redmi Note 8 सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये था हमारा ओवरऑल स्पेक्स। तो अगर आप देखें इन सभी फोन्स के प्राइसिंग को तो सब लगभग आपको सेम प्राइस में मिलेगा, मतलब 10,000 के अराउंड आपको हर एक फोन का प्राइस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे लिस्ट में नंबर 1 में आता है Vivo U20। तो Vivo U20 को मैंने नंबर 1 में क्यों रखा है आपको आगे चल के जरूर पता चल जाएगा। तो इसमें आपको 6.5 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, साथ में यहाँ पर आपको 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, लेकिन इसका जो इंटरनल स्टोरेज है ये आता है UFS 2.1 के साथ। तो यहाँ पर रीड और राइटिंग स्पीड eMMC के तुलना में बहुत ही फास्ट मिल जाएगा। और इस फोन का जो मेन चीज है वो है इसका प्रोसेसर, क्योंकि इसमें आपको मिलता है Snapdragon 675 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, Snapdragon 675 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर इस फोन में आपको मिलता है। तो इस प्रोसेसर के बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ये क्यों सबसे बेस्ट है। तो अभी फिलहाल इसका कैमरे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी सेंसर यहाँ दिया गया है 16 मेगापिक्सल का, सेकंड कैमरा दिया गया है 8 मेगापिक्सल का, और थर्ड कैमरा दिया गया है 2 मेगापिक्सल का। और इसका फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा। और लास्ट में इसका बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 5000 mAh का बैटरी, साथ में 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, और 18 वाट का फास्ट चार्जर आपको आउट ऑफ द बॉक्स भी मिलता है। तो देखिए, ओवरऑल ये स्पेक्स आपको एकदम लेजिट मिलता है, एकदम मतलब क्या बोलूं मैं, एकदम बेस्ट स्पेक्स आपको इन फोन्स के बीच में, मतलब इन पांचों फोन्स के बीच में सबसे बेस्ट स्पेक्स आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको क्यों बताया कि इसका प्रोसेसर अच्छा है, ऐसा इसलिए है कि अगर आप इन सभी फोन्स को कंपेयर करेंगे जो अभी मैंने फिलहाल आपको बताया है, उन सब में आपको Snapdragon 665 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है, और जो Samsung है इसमें आपको Exynos 7904 का प्रोसेसर मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर इन सभी फोन्स में से सबसे बेस्ट प्रोसेसर इस फोन में आपको मिलता है, और बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। आप अगर Vivo के कुछ फोन्स की बात करें तो Vivo V17 Pro में आपको यही सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो उस फोन का प्राइस है 30,000 के आसपास, शायद 28,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो सोचिए, उस फोन के जो प्रोसेसर है वही सेम प्रोसेसर इस फोन में भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है कि इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब अभी तक जितने भी फोन्स मैंने आपको बताया वो सब आपको 10,000 के नीचे मिलता है। तो इस फोन का प्राइस आपको 1,000 रुपया ज्यादा मिलता है। जी हाँ, ये फोन का प्राइस है 10,990 रुपीज में। तो आप सर सोचेंगे कि मैंने इस वीडियो को बनाया था कि बेस्ट फोन अंडर 10,000 रुपीज। तो देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप कोई बेस्ट फोन लेना चाहते हैं जिसमें आप पबजी वगैरह, मतलब एकदम फुल परफॉर्मेंस वाले गेम्स खेल पाए, तो मेरे हिसाब से 10,000 के आसपास आपको यही फोन सबसे बेस्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आप अगर 1,000 रुपए ज्यादा देके इस फोन को खरीदते हैं तो ये सबसे बेस्ट होगा। तो आगे आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि कौन सा फोन सबसे बेस्ट होगा, मतलब इन पांचों फोन्स में से आपको सबसे बेस्ट फोन कौन सा लगा, आप नीचे मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट का मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो